Hey everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing great and amazing in your exams. And कल MAG 1 का एग्ज़ाम है, मतलब कि फर्स्ट ईयर के बच्चों की टेंशन अब शुरू हो जाती है. और MAG 1 सबसे ज़्यादा टेंशन फुल होता है बिकॉज़ इसमें आपको RTC या फिर क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं. मैक्सिमम सारी पोइट्री ही है, सब कुछ पोइट्री है. तो पोइट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि लाइन्स कहाँ से ली गई हैं या फिर किस पोइट ने लिखी है. पहले तो यही एक प्रॉब्लम है एंड देन उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा पोइट्री है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी कि पोइट्री जैसे पैटर्न होता है वो क्या होता है. तो मैंने जैसे लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स को अभी रिसेंटली ही एनालाइज़ किया, आज मॉर्निंग में ही एनालाइज़ किया है. एंड देन फाउंड कि जो लास्ट ईयर पेपर आया था दिसंबर 2020 में, उसमें था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में 4 RTC होंगी एंड यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 2. आपको 2 करनी है, मतलब कि 10-10 नंबर के हैं, 20 नंबर यहाँ पे हो गए. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और जो 4 क्वेश्चन हैं वो 20 मार्क्स के आपके हो जाते हैं. तो टोटल हो गया 100 मार्क्स का. एक पैटर्न तो ये है. और एक पैटर्न होता है कि आपको पूरे ही पेपर में RTC आएंगी. क्वेश्चन नंबर 1 तो उसमें भी RTC होंगी, जैसे कि टेक जो आपका यूनिट 1 है, ब्लॉक 1 है, चौसर, उसमें से एक पोइट्री होगी एंड देन उसी में एक ऑप्शन करके एक और पोइट्री आएगी चौसर से ही. उन दोनों में से आपको एक करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसी तरीके पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी होता है. यू कैन चूज़ एनीथिंग. तो इसमें एक फ़ायदा ये है जो मैंने एनालाइज़ किया कि लास्ट ईयर जैसे कि दिसंबर 2020 में, उसके बाद जून 2020 में एंड देन दिसंबर 2019 में, इसमें ये जो लास्ट के 3 पेपर आए थे ये थे कि RTC होंगी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में एंड देन क्वेश्चंस होंगे. तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये वाला पेपर होगा, ये पेपर होगा RTC बेस पे, क्योंकि लास्ट 3 पेपर जो हैं वो क्वेश्चन पर बेस आ रहे थे. अगर RTC आती है तो आप जैसे कि मैं अगर बोलूँ 2020 का जो दिसंबर पेपर था, फर्स्ट जो RTC थी वो थी ननप्रीत स्टेल के प्रोलॉग से. क्वेश्चन आपको इस पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, लाइन नंबर 1 से 5 आई थी. देन जो इसका सेकंड RTC थी वो थी यूनिट 3 से, हार्बर्ट से, एफ्लिक्शन जो पोइट्री है. देन जो थर्ड RTC थी वो मिल्टन से थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. देन जो इसका डी पार्ट था वो था ब्लेक से, लैम्प होम मेड वाला जो टॉपिक है या फिर लाइन से वो वाली. और जून 2020 में जो पेपर आया था उसमें जो RTC आई थी उसमें थी एपिथेलमियम से जो फर्स्ट थी, जो सेकंड थी वो मिल्टन क्लिसिडिस से थी एंड जो थर्ड था मतलब कि सी थी, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी पार्ट था वो था शैली की द ट्रम्प ऑफ लाइफ से एंड जो डी था, डी ऑप्शन वो था प्रोफेरियाज लवर ब्राउनिंग से. और उसके बाद जो 19 में आया था दिसंबर 2019 में वो था क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड. सेकेंड जो था वो कैंटरबरी टेल्स से था, जनरल प्रोलॉग से. जो थर्ड है वो है मैकफ्लेक्नॉय से एंड देन जो डी था वो था प्रिल्यूड से. तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लाइक कोई पैटर्न नहीं है कि मैं आपको सिंपली बता सकूँ कि कौन सी पोइट्री फॉलो हो रही है, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी पोइट्री की RTC ने रिपीट करी हो इन दिनों लास्ट 3 पेपर्स में. ऑलराइट, तो मैं डिस्कस करूँगी दिसंबर 2020 का पेपर जो कि आया हुआ था. जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था कि RTC आई थी, RTC आपके सामने है. फर्स्ट जो है वो थी प्रोलॉग से, देन एफ्लिक्शन से, यूनिट 3 से एंड देन यूनिट 4 मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड देन यूनिट 6 ब्लेक से. ये तो था क्वेश्चन नंबर 1. अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से था या फिर कौन सी यूनिट से लिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट वाज द रोल ऑफ द कोर्ट इन द शेपिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर, कि जो रेनेसा के लिटरेचर थे इंग्लिश के उसमें कोर्ट का क्या रोल था. आपको वो देना है और अपने अंडरस्टैंडिंग को दिखाना है कि आप उस पीरियड के बारे में कितना जानते हैं. तो इसमें आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं रेनेसा टाइम पीरियड का, जितने भी आपके पास राइटर्स हैं उनके बारे में. देन क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट इज़ कंसीट, कंसीट क्या है, और आपको कंसीट के कुछ एग्जांपल्स देने थे डन की पोइट्री से एंड देन उन्हें एक्सप्लेन करना था. आप सबको पता है कि कंसीट क्या होता है, जैसे कि जो डन है वो दो अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे में कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि लवर्स को कंपस से कंपेयर कर देते हैं, कंपस के जो दो लेग्स होते हैं उनसे, इस तरीके से वो जैसे उनका इसको कंसीट बोलते हैं. तो आपको इनकी किसी भी पोइट्री से कंसीट उठाना है, साइड करना है एंड देन एक्सप्लेन करना था. क्वेश्चन नंबर 4 था आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्राइमरी इन्फ्लुएंस एंड द मेन लिटरेरी सोर्सेज टू बी फाउंड इन मिल्टन्स अर्ली पोइटिक
वर्क की, जो मिल्टन के पहले के वर्क थे, अर्ली पोइटिक वर्क थे, उसमें आपको इन्फ्लुएंस दिखाना है किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, और लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या हैं। आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ले सकते हैं, या फिर कोई और जो भी आपको पसंद है, या फिर जो भी आपने अच्छे से पढ़ी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 5 है, इसमें पूछा गया है, वुड यू कंसीडर सटायर टू बी अ ग्रेट पोइट्री, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ मैकफ्लेक्नॉय, कि आपको लगता है कि सटायर बहुत अच्छी पोइट्री होती है, ग्रेट होती है, आपको मैकफ्लेक्नॉय के रेफरेंस में बताना है। सिंपली आपको इसमें इसी पोइट्री को एनालाइज करना था क्योंकि एक सटायर ही है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट ऑन द यूनिकनेस ऑफ बायरन एंड शेली एज अ पोइट, बायरन एंड शेली की कोई भी पोइट्री को आप एनालाइज कर सकते हैं, ये बोलते हुए कि इसमें जो बायरन है वो इस तरीके से वर्क करते हैं, शेली का जो यूनिकनेस है इस चीज़ को शो करने के लिए वो ये है। ये डिपेंड करता है हाउ यू आर मोल्डिंग योर वर्ड्स, कि आप कैसे अपने वर्ड्स को मोल्ड कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 7 था, डिस्कस द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ द ह्यूमन सोल, कि जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है एंड देन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, ये दोनों ह्यूमन के अलग अलग स्टेट्स को शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप टाइगर कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से दिखा रखा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, अगर आप लैम्प कर रहे हैं तो कितना लैम्प को कितना फ्रेजाइल सा दिखा रखा है, हम्बल दिखा रखा है, तो वो भी ह्यूमन के ही चीज़ों को डिपेक्ट कर रहा है कि ह्यूमन के जो स्टेट्स है वो भी ऐसे होते हैं, एक तरफ से वो इनोसेंट है, दूसरी तरफ से उसने जो एक्सपीरियंस किया है तो जो टाइगर की फ्यूरियस चीज़ें हैं वो दिखाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो था, आया था लास्ट ईयर, वो था हाउ आर मैजिक एंड सिम्बलिज्म रिलेटेड टू यीट्स पोइट्री, कि जो मैजिक और सिम्बलिज्म है वो यीट्स की पोइट्री में कैसे दिखती हैं या फिर रिलेटेड है। यीट्स की पोइट्री कौन कौन सी है पहले आपको ये माइंड में रखना चाहिए, जैसे कि इन्होंने लिखी थी नो सेकंड ट्रॉय, ये सब तो ये इनकी पोइट्रीज हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये सॉल्व करना था। हालांकि अगर ये नहीं भी आता है, कई बार होता है कि जो ऐसे जनरल टाइप में क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कंपैरिजन टू अदर जो पोइट्री से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पोइट्री में आपको पता है कि आपको अगर कुछ नहीं आता पोइट्री को सिंपली एनालाइज कर देंगे, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप मैजिक को या फिर सिंबलिज्म को किस तरीके से डिपेक्ट करेंगे, तो बेटर है कि इस तरीके के क्वेश्चन को अवॉइड करें। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थॉमस यूज़ ऑफ इमेजरी विद रेफरेंस टू द पोइट्री यू हैव स्टडीड, कि जो थॉमस की पोइट्री है, कि जो पोइट्री है उसके रेफरेंस में आपको दिखाना है कि उन्होंने कैसे इमेजरी का यूज़ कर रखा है। कोई भी पोइट्री जो आपने पढ़ी हो, तो इसमें है पोएम इन अक्टूबर, उस वो है, और भी काफ़ी सारी की है, फर्न हिल, रीडिंग अ रिफ्यूजल, तो आप इनमें किसी में भी इमेजरी को शो कर सकते हैं या फिर आप तीनों को कंबाइन करके भी शो कर सकते हैं। देन आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी, मतलब कि जून 2020 का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।